मैं सारी जनता को यही संदेश देना चाहूँगा, मैं इस समय राम का अभिनय निभा रहा हूँ और जब तक मैंने राम का अभिनय निभाया मैं अपने कर्तव्य पे रहा। और सारी दुनिया को ये बताना चाहूँगा कि अधर्म की जड़ बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं होती है। रावण विद्वान था, शक्तिशाली था, लेकिन उसके कर्म इतने बिगड़ गए कि आखिर उसको परास्त होना पड़ा, क्योंकि इसने ज़्यादा से ज़्यादा असत्य का सहारा लिया था। और जो सत्य की राह पर चलते हैं वो हमेशा सुखी रहते हैं और उनका नाम इतिहासों में लिखा जाता है, लोग उनका गायन करते हैं। बस रावण में यही फ़र्क था कि इनका दहन करते हैं और अच्छे लोगों का नाम लेते हैं। कि अन्याय करने वाले का अंत जो होता है वो रावण के अनुसार सबको समझ में आना चाहिए कि यदि हम समाज में रह के गलत कृतियाँ गलत प्रकार से हम किसी को उत्पीड़न करते हैं या अत्याचार और जुल्म करते हैं तो उसका अंत क्या होता है, वो रावण से आज लोगों को समझ में आना चाहिए। भगवान राम ने इतनी बड़ी जो लड़ाई लड़ी वो लड़ाई मैं समझता हूँ एक दिन में भी ख़त्म हो सकती थी, क्योंकि वो भगवान राम एक मर्यादा पुरुषोत्तम हैं और उन्होंने हमेशा धर्म के हिसाब से अपनी लड़ाई का कार्यक्रम जो आज 18 दिन हो गए हमें रामलीला कराते हुए उसी के अनुसार उन्होंने किया। मैं केवल एक ही बात कहना चाहूँगा अपने समाज से, अपने प्रदेश से, देश की जनता से कि गलत कामों से बचें, गलत रास्ते से बचें, अच्छे कर्मों का उपयोग करें, भगवान राम की आराधना करें, उनके चले हुए रास्ते से बताए हुए रास्ते पर ही चलें और गलत जो कृतियां हैं समाज में एक दूसरे को दबाने की या किसी को उत्पीड़न करने की वो नहीं होना चाहिए। मेरे समाज को संदेश है। जब हमने इसको आशीर्वाद दिया तूने अपना उधर मुंह क्यों फेर लिया? अरे सुन, ये क्षत्रिय है, हम ब्राह्मण है, निकांत विद्वान पंडित दुकानदार वेदाध्यायी ज्योतिष शास्त्र का विशेषज्ञ राक्षस राज में रावण हो, जब उन्होंने ये अपने धर्म का और ये पालन किया है हो
सिर्फ देवते का नाश करने वाले हो। और राम मैं ये भी जानता हूँ लक्ष्मण शेष के अवतार है, और राम मैं ये भी जानता हूँ कि सीता जगत की माता है, और राम मैं ये भी जानता हूँ कि युद्ध में मेरी दुर्गति होंगी, मरने की बात नहीं कि युद्ध में मेरी दुर्गति होंगी, परंतु जब तक मेरी जान में जान है सीता को नहीं दूंगा। Thank you.
यहीं से किए, यहीं से किया, यहाँ काम करते थे। गुरु ऊपर बैठे हैं 10 साल से। हाँ शादी हो गई, 100 हो गया ये तो। अब कितने सालों से हैं जी? कितने सालों से चला रहे हो आप? 10 साल। 10 साल से? 10 साल से कभी ऐसा नहीं लगा कि हमारे घर वाले कुछ कहते हैं या फिर और लोग कुछ कहते हैं हमारे लिए? ड्राइविंग शौक है या फिर मेहनत के लिए करते हैं? शौक के लिए। इससे पहले आप कहाँ कहाँ चला चुके हैं? ऑल इंडिया घूम चुके हैं वैसे तो। महीने में कितने सौ हो जाते हैं आपके? ये तो होते ही रहते हैं, सालों के साल चलते रहते हैं हमारे। एक दिन में कितने शो करते हो? एक दिन में ये तो आज अच्छा चल गया, नहीं तो 400-500 हो पाते हैं। बोलते हैं हकीकत में है नहीं, बोलते हैं हकीकत में है नहीं, जिगर होना चाहिए। चलाते टाइम पर आप ऐसा है ना, सीख चुके हैं, पक्के हो चुके हैं अब, जो डर नहीं लगता। सीखते समय लगता था। हम तो सभी से ही कहना चाहेंगे, लेकिन जिगर तो होना चाहिए, सब मना कर देते हैं।